जलालपुर पीरवाला एमएन ने राणा मोहम्मद कासम नून की तरफ से जलालपुर पीरवाला स्टेडियम में खुली कचहरी का इनकार कराया गया, जिसमें आरपीओ मुल्तान सैयद खुरम अली शाह, शाजिया अब्बासी खाकी और राणा शहरियार अहमद नून ने शिरकत की और रहनुमा तहरीक इंसाफ शाजिया अब्बासी खाकी की 26 न्यूज़ से गुफ्तगू। आरपीओ मुल्तान खुरम अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि गरीब अवाम को मुकम्मल इंसाफ फराहम करना हमारी अव्वलिन तरजीह है, तमाम पुलिस अफसरान गरीबों के लिए अपने दरवाजे खुले रखें और अवाम के मसाइल फौरी तौर पर हल करें। मजीद जानते हैं वजीर के जाले से। जी वजीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला स्टेडियम में और जहाँ आरपीओ की खुली कचहरी थी। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाजिया बाजी मौजूद हैं। मजीद इनसे बात करते हैं कि जलालपुर और शुजाबाद के हलके के लिए आप क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नाबुदु व इय्याक नस्तईन। आज हम जलालपुर पीरवाला स्टेडियम में खुली कचहरी में सब इकट्ठे थे। आज आरपीओ मुल्तान, एसपी सदर, एसपी, एएसपी जलालपुर पीरवाला और राणा मोहम्मद कासिम नून साहब, राणा मोहम्मद शहरियार नून साहब और सब हमारे भाई मौजूद थे इस खुली कचहरी में। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं आरपीओ साहब का। मैंने तो पहली दफ़ा देखा है इस सियासी सफ़र में कि कोई किसी आरपीओ ने टाइम निकाला हो किसी तहसील के लिए, उनकी आवाम के मसाइल को सुनने के लिए। उन्होंने बड़ी तवज्जो से हमारी आवाम के मसाइल सुने और उनकी बड़ी हौसला अफजाई की और अल्लाह करे कि ये रिवायत ऐसे ही कायम रहे। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का और अपने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का और राणा मोहम्मद कासिम नून साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने वो आरपीओ साहब को लाए अपने हलके में और उन्होंने हम सब के साथ मिलकर हमारी आवाम के मसाइल को हल किया। अच्छा बाजी, ये बताएं कि हमारे जो रोड़ों की हालत है वो खस्ता हालत में है, वो आप इनके बारे में क्या कहेंगे? जब से ये हुकूमत बनी है हमारी तो यही कोशिश है कि जिस तरह से जैसे जैसे हमें फ़ंड मिलता है हम आवाम तक पहुँचाते हैं और अब तक मेरे ख्याल में तो हमने बहुत सारे मसाइल हल किए। राणा मोहम्मद कासिम साहब ने भी और हमने भी मिलकर अपने आवाम के दोनों तहसीलों के बहुत से मसाइल हल कर लिए। इंशाल्लाह जो बाकी काम रह गए हैं, जो बहुत से रोड्स बन गए हैं, कुछ रोड रह गए हैं, इंशाल्लाह वो भी ज़रूर बनेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि आरपीओ साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और जो रोडों के मसाइल हैं वो भी जैसे ही फ़ंड मिलेंगे हम इंशाल्लाह आवाम पे लगाएंगे। जी कैमरा टीम के हमरा वजीर कचाला, 26 न्यूज़, जलालपुर पीरवाला।